वरुण जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी सर। बताइए, इस वक्त आपके जिले में मतगणना की क्या स्थिति है? सर धमतरी के 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें सिहावा, कुरूद और धमतरी है, जिसमें धमतरी में ओमकार साहू और रंजना साहू के बीच में कॉम्पिटिशन है, जिसमें अभी ओमकार साहू आगे लीड कर रहे हैं जी। और कुरूद से अजय चंद्रकर आगे हैं और सिहावा से अंबिका मरकाम आगे हैं। जी, धान खरीदी, समर्थन मूल्य और कर्ज माफी, इस बार के चुनाव में कौन से मुद्दे ज्यादा प्रभावी रहे हैं? किसानों का उनका प्रति एकड़ जो बनाया गया है रकबा, जो सर पहले 14 क्विंटल कुछ था और अभी 20 क्विंटल कर दिए, जी, जिससे किसान सर मतलब इसको बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं कि उनका रकबा बढ़ा हुआ भी है और वो अपना धान पूरी तरह से बेच सकते हैं। तो ये सर कांग्रेस के लिए एक बहुत अच्छा मुद्दा बन गया सर, जिसके लिए रुझान सर किसानों का ज्यादा कांग्रेस। चूंकि धमतरी जिला आदिवासी क्षेत्र है, वन बाहुल्य है, तो आदिवासी समाज के मतदाता, उनकी क्या मांग है बताइए। सर उनका मेन है सर जंगल में जाए, उनको जो वन भूमि में जिसमें रहते हैं सर, उनको उनको पट्टा चाहिए ताकि वो स्थायी रूप से वहां निवास कर सके और जी उनको घर बना के दिया जाए। जी बताइए, इस वक्त मतगणना चल रही है सुबह 8 बजे से, तो वर्तमान में आपके जिले में सभी विधानसभा सीटों में कौन आगे हैं और कौन पीछे चल रहे हैं बताइए हमें। सर धमतरी में 3 विधानसभा सीट जी है, सर। जिसमें कुर्ग में अजय चंद्रकर आगे चल रहे हैं जो बीजेपी से हैं, जी, और धमतरी में रंजना साहू है, जी और जो पीछे चल रहे हैं ओमकार साहू से जो कांग्रेस के हैं, जी और जी सिहावा में जो है सर कांग्रेस अंबिका मरकाम है वो आगे चल रहे हैं बीजेपी से। जी 2018 के चुनाव की तुलना में इस बार 2023 का चुनाव, इसमें क्या अंतर देख रहे हैं आप? सर इसमें पिछले बार सर चुनाव में सर धमतरी में बीजेपी सरकार थी और इस बार सर कंपटीशन एक नए चेहरे को मौका दिया गया है, और जिसमें पुराने जितने भी थे सर उनको तो मौका नहीं मिला है, जी और जी रिपीट में सिर्फ अजय चंद्राकर ही है जिनको रिपीट किया गया है सर। जी 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 वरुण जी, इस बार चुनाव में प्रमुख मुद्दे क्या थे? किसानों का सर मेन मुद्दा था, जिनमें उनको प्रति एकड़ जो भूमि थे सर जी उसको बढ़ा दिया गया है, जी, और कर्ज माफी का भी था उसमें, और लोगों के आवास योजना भी थी जो उनको मिलने चाहिए। जी ₹564,1573, जी जी ₹12,1224, जी ₹5,2126, ₹4,1216, जी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वरुण जी।